संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं जिन वीडियो लेके आया हूँ और जो रेसिपी लेके आया हूँ वो कोई रिक्वेस्टेड वीडियो न हरे। मैं आप मतलब बताना चाहते रहे हूँ कि आपन ऐसे भी रेसिपी ला बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगते। तो संगवारी हो, आपन तो कोफ्ता बहुत खाए हो है ना, अलग अलग तरीका से, पर आज मैं आपन बन लेके आया हूँ पालक के कोफ्ता। जी हाँ संगवारी हो, आपन खाए हो आलू पालक, दाल पालक, पर आज जब ये कोफ्ता खाऊँ ना आपन ओकर स्वाद ला भी भुला जाओ। बहुत ही आसान तरीका से पालक के कोफ्ता बनाए के विधि आप मल्ला दूँ मैं यहाँ सिखाऊँ आप मल्ला, और उम्मीद है आप मल्ला पसंद भी आई कम से कम सामान में जो भी आपके घर में रही वही सब सामान से। तो चलो संगवारी हो, देख लो आप मन कैसे आसान तरीका से बना के तैयार करता पालक के कोफ्ता, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आसान तरीका से। वीडियो पसंद आते तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करेगा जन। तो संगवारी हो, पालक के कोफ्ता बनाए बर सबसे पहले मिले हूँ पालक। एक आप मन देख सकते हो पालक की भाजी, और हमला एला छाटना है। छाटना कैसे है आप मन है देखो, डंठल वाले भाग ला बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम पत्ता पत्ता ही भाग ला हमला छाट के अलग कर लेना है। डंठल वाले भाग ला आप मन है दूसरा को इस्तेमाल कर सकता हो या फिर गाय ला भी दे सकता हो। तो एक संगवारी को पूरा पत्ता पत्ता ला मैं यहाँ अलग कर ले हूँ, डंठल ला मैं यहाँ गाय ला दे दे हूँ। तो एक आप मन हाँ देख सकते हो संगवारी हो, पूरा पत्ता वाले भाग ला मैं अलग करके धो के ला ले हूँ, और धो के लाए के बाद थोड़ा सा कर पानी में निथार दे हूँ, और एला बारीक बारीक हमला काटना है, एकदम नान नान हमला काटना है। हंसिया परछोल या चाकू जेमा भी आप मन ला जमते और मैं आप मन हाँ एकदम बारीक बारीक काट ले वेला। तो ये देखो संगवारी हो, एकदम बारीक बारीक में बढ़िया सेला काट लेता हूँ, और इमें सिर्फ आप मतलब पत्ता ला ही लेना है, डंठल ला नहीं डालना है, बात की जरूर से अपन ध्यान रखो। और यह धुले हुए भाजी हरे संगवारी हो, तो इमें वैसे भी नमी है, तो आप मतलब जब भी जरूरत हुई तभी आप पानी के इस्तेमाल करो कोफ्ता बनाए बार। तो एक टन प्याज ला मैं बारीक बारीक छून ले हूँ, तेला में डाला था, एक करा हल्दी मिर्चा और नमक, बस अतकी मसाला हमला डालना है, और एक करा बेसन, एक कटोरी बेसन ले हो संगवारी हो, और आधा कटोरी ला पहले डालबो, जरूरत पड़ी तो और डालबो। तो आधा कटोरी ला बेसन ला डालते हुए मैं बढ़िया सेला सान लूँ संगवारी हो। जैसे आप मन हाँ अरबी के पत्तल बनाता हो या ना, यानी कि कोचई के पत्तल ऐसे काटे वाला, बिल्कुल वैसे टाइप के ही आप मला सानना है, आप मला समझ में आ जाए कि कतकापन आप मला सानना है। तो इमें बिल्कुल भी मोला पानी की जरूरत नहीं पड़ी संगवारी हो, पूरा एक कटोरी बेसन ला मैं यहाँ डाल रहे हूँ ये देखो। और अगर आप मला पानी की जरूरत पड़ी तो आप मन हाँ पानी डाल सकते हो, नहीं तो आप मला भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी, अगर तुरंत आप मन धो के ला के अगर काट के एला बना होता बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल करे की जरूरत नहीं पड़े आप मला। तो ये देख सकते हो आप मन हाँ कतकापन हवे तेला बिल्कुल ऐसने हमला चाहिए कोफ्ता बर। अब एमें हमला डाल देना है एक चम्मच तेल। एक चम्मच तेल काबर आप मन पूछू तो संगवारी हो, एक चम्मच तेल डाले से ना एक अंदर बढ़िया से नमिया ही संगवारी हो, और एकर स्वाद भी अच्छा ही, और एकर अंदर में रस अच्छा से भीगी। तो ये देखो संगवारी हो, अब जत का भी बड़े या छोटे आप मल्ला कोफ्ता चाहिए ओकर हिसाब से आप मना एकर गोला बना लो। तो एक मोर हिसाब से जत का मल चाहिए ओकर हिसाब से मैं बना के रख ले हूँ। अब एक रसाबर हमला चाहिए दो ठन प्याज, पाँच ठन टमाटर, एक ठन लहसुन, और एकर एक ठन नींबू ले हूँ मैं। मसाला में ही गर्म मसाला है, जीरा सरसों, दो चम्मच बेसन है, नमक हल्दी मिर्चा, और खड़ी वाला मिर्चा है देख सकते हो, दूठन तेज पत्ता, बस अतके सामग्री की जरूरत है। एक अलावा अगर आप मल्ला और कोनो चीज़ डालना है तो आप मन डाल सकता हो। धनिया पाउडर मुर्गा खत्म हो गए संगवारी हो, तो मैं नहीं ले हूँ। कढ़ाई ला चूल्हा में चढ़ा दे हूँ, तेल गरम हो गए संगवारी हो, एमें हमला बढ़िया से कोफ्ता डाल के तलना है। अब एला बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं तलना है, अगर तेज आँच में तल दूँ तो ऊपर से तो एकदम करिया आ जाइए और अंदर से एकदम कच्चा रह जाए संगवारी हो। तो थोड़ा से अगर गैस में आप मन बना तो लो टू मीडियम में आप मन बनाऊँ, मीडियम में ही बनाऊँ चल जाइए। और ये देखो चूल्हा में बहुत ज़्यादा नहीं जला थे, तो एला हम अच्छा से तल लेना है। और आप मल्ला बताओ एक दो ठन फायदा है आप मल्ला कि आप मन अगर खाना चाहो तो ऐसे तले वाले ला खा सकते हो, कोई भी चटनी सन टमाटर सॉस के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते, पकौड़ा की तरह भजिया की तरह लगी संगवारी हो। और आप मला कोफ्ता बनाना है सब्जी कर तो आगे आप मना बने रहो, ऐसे भी आप मना खा सकते हो, तो है ना एक ठन रेसिपी में दो ठन फायदा। तो संगवारी हो ये देखो ये बढ़िया से कर कलर आ गए है, आप मला भी दिखा तो ये कर रंग एकदम बदल गए हैं। तो बस यही करा एला मैं निकाल लेता हूँ, और ऐसने में सबो कोफ्ता ला तल के निकाल लेता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो सबो कोफ्ता ला मैं तल डरे हूँ, और आधा लेकर मन खाए बल लेक घलोक गए हैं। तो तेल लग आधा निकाले हूँ जत का मोल जरूरत है और रखे हूँ, और ओमे में डाल दे हूँ जीरा और सरसों, दो ठन तेज पत्ता, एक अगर आप मतलब कोई भी खड़ा मसाला पसंद है तो वाला भी डाल सकता हो, एक हरियर मिर्ची लभी इससे तोड़े हूँ जो लाल हो गई धीरे से, हरियर मिर्ची रखे रखे हुई हरे वाला डाल दे हूँ।
और ओकर बाद संगवारी हो मैं हाँ प्याज ला पेस्ट बना ले हूँ, यानी कि मिक्सी में पीस लें। आप मन किस भी सकते हो मिक्सी में पीसे से और किसे से ना संगवारी हो थोड़ा सा रसा गाढ़ा बनते तेकर सती, नहीं तो बाकी अपन काट के भी इस्तेमाल कर सकते हो नान नान कोई दिक्कत नहीं। तो एक टमाटर प्याज ला बढ़िया से मैं यहाँ पीस ले रही हूँ और एला बढ़िया से हमला भूंजना है। प्याज ला तब तक भूंजना है जब तक ओकर कच्चापन नहीं चल दी, तब तक संगवारी हो ओकर कलर हल्का से बदल जाए। अब जैसे ही हमारे प्याज है भूंजा आगे एमें टमाटर ला डाल देना है और टमाटर ला घलोक में यहाँ पीस के रख ले हूँ। पीसे के बस यही कारण है मोर कि रसा है बढ़िया गाढ़ा बनते। अब एकरा हमला टमाटर ला कम से कम 7 से 8 मिनट भूंजना है अभी, जब तक कि आपके टमाटर के कच्चापन नहीं चल दी, टमाटर के कलर नहीं बदल जी, तब तक आप मन ला भूंजना है। तो देखो संगवारी हो भूंजत भूंजत मोर कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब यही करा मैं डाल दूँ स्वाद के हिसाब से नमक। ये बात के आप मला ध्यान रखना है कि कोफ्ता में भी नमक के इस्तेमाल करे हैं तो कोफ्ता में नमक की ज़रूरत नहीं है, बस हमला रसा भर ही नमक डालना है। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एला डाल देना है संगवारी हो। अब अगर आप मन कर धनिया पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो। एक करा गरम मसाला, आप मन गरम मसाला ला आखिर में भी डाल सकते हो, मैं यही करा डाल देता हूँ काबिर की मोल मसाला सन भून जाते ना तो अच्छा लगते। अब मसाला डाले के बाद फिर से आप माला 7 से 8 मिनट भूनना है। जी हाँ संगवारी हो मेन मसाला भुने होते, जब तक आपके मसाला अच्छा से नहीं भुन जाए आपके जो भी साग बना तो कर स्वाद उतना अच्छा नहीं आई। तो जिसे हम अच्छा से भून लें तेल छोड़े लगे किनारे से, वैसे हम डाले हों यहाँ बेसन। अब आपन पूछो दीदी बेसन काबर डाले हो, बेसन डाले के कारण का है आगे आप माला दिख जाए संगवारी हो। बेसन ला जब यही कारण डालूँ ना तो बेसन अच्छा से भुना जाते और जो रसा है ना उसमें बहुत अच्छा बेसन के भुने हुए स्वाद आते संगवारी हो। और बेसन ला 1 से 1.5 मिनट भूंजे के बाद जेमें हम आसाने रहें कोफ्ता बराटा ओला में धो के ओकर पानी निकाल ले रहा हूँ, तेल में अभी डाले हूँ संगवारी हो, काबर की थोड़ा भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए मोर हिसाब से। और एक जेमें कोफ्ता बनाए रहें वह में थोड़ा थोड़ा चिपक गए इस नीचे में, वह में पानी डाल के निकाल ले हूँ। और संगवारी हो नींबू के रस ला भी मैं डाल दे रही हूँ, वो स्किप हो गए हवे तो जब भी मसाला ला भुनत रहे ना वही करा मैं नींबू का रस ला निचोड़ दे रही हूँ। और एक आप मन देख सकते हो संगवारी हो जितका हमला रसा चाहिए ओकर हिसाब से पानी डाल देना है और तुरंत ही कोफ्ता ला भी डाल देना है। ये बात के ध्यान रखूँ उबल ही तो डालबो ऐसे कि मत छोड़ो, तुरंत ही जैसे पानी डालो ना वैसे आप माला कोफ्ता डाल देना है। और कोफ्ता ला डाले से पहले बीच बीच में चाकू से थोड़ा छेद कर देना है ताकि रसा अंदर तक अच्छा से भीग जाए। मऊ कर दे रही हूँ बीच बीच ला छेद। और ये देखो संगवारी हो कम से कम 5 मिनट तक यह डबके है, तेकर बाद आप मन एक गाढ़ापन ला देख सकता हो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। और बस इला जतका आप माला चाहिए ओकर हिसाब से अपन उतार सकता हो, पर अभी रुके रहो संगवारी हो। आप माला आखिरी में एकदम बढ़िया वाले तड़का वो दिखाता हूँ मैं, हाँ मैं कैसे डालता हूँ और कैसे बनाता हूँ। तो एक बार मैं ले हूँ हींग और कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल चुच्चू नहीं रहे संगवारी हो कलर के काम करते। तो अगर आप माला चाहिए कलर या फिर आप माला पसंद है तही आप मन है स्टेप लगा करो, अगर नहीं पसंद है तो आप मन ऐसे भी खा सकते हो। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गए, नीचे वाला कलछुल के नीचे साइड के लिए पोंछ ले हूँ अच्छा से। अब इमें हींग डाले हूँ संगवारी हो, कश्मीरी लाल मिर्च डाले हूँ और हमार सब्जी के ऊपर बढ़िया से छौंक देबो, एकदम बढ़िया से में तड़का लगा देबो। ये दिखे से बहुत सुंदर लगे साथ ही साथ खाए में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो अगर आप मतलब ये तरीका पसंद आते तो ज़रूर करूँ। मैं तो अधिकतर छोले बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ ना ज़रूर से ऐसे तड़का देता हूँ ऊपर से। तो चलो संगवारी हो आप बनाओ खाओ। तो उम्मीद है संगवारी हो आज की वीडियो आप माला जरूर से पसंद आई सोही, ऐसा पसंद जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो और बताओ, काबर के आप मन के कमेंट के इंतजार रही थे मोला और पढ़ के बहुत खुशी मिलते। तो चलो संगवारी हो पसंद आई सोही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो ला लाइक करके ही जाओ और मिलता हूँ अपन से फिर जल्दी एक नवा वीडियो के संग। तब तक बन नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।